हीरो उस तरह नहीं था, बाद में हीरो बना। जो गेम होती है ना, मैं ग्लासगो में लेता था सुबह एमिरेट्स 12 बजे कराची और उसके बाद 2 घंटे के बाद वहाँ से। इसमें क्या है बेटा? नान। We're all set. अभी बस यहाँ से ब्रंच करके देन वी आर लीविंग, तैयार होके फिर जाएंगे हॉल, वहाँ पे शो कंडक्ट होगा एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। एंड जो देख रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो प्लीज़ शिरकत करें, ज़रूर आएँ एंड डू पार्टिसिपेट। और यहाँ पे ट्रेंड है ना, ज़्यादातर लोग साइकिल पे ही जाते हैं जी। थोड़ी देर में शो है, ज़रका ने हमें बहुत ज़बरदस्त ब्रंच कराया है और ब्रंच में कोई 7-8 तरह की ब्रेड, पेस्ट्रीज, हलवा, पूरी, नान और पता नहीं क्या क्या कुछ था। अब मैं आई हूँ इनके बैकयार्ड में, क्योंकि अंदर मुझे सर्दी लग रही थी, गर्मी लग रही थी सॉरी, तो मैं थोड़ा सा ठंड इन्जॉय करना चाह रही थी। यहाँ पे बहुत सुकून, खामोशी और अच्छा सा लग रहा है। तो बस अभी निकलेंगे, सैलून जाएंगे, तैयार होंगे और उसके बाद फिर शो में। कपड़े रेडी हैं जी, इस गाड़ी में रखने हैं, बैग रेडी। अच्छा, ये ओल्ड होम है? ओल्ड होम नहीं है, बस ये लोग कहते हैं 18 साल के बच्चे हो तो घर से बाहर चले जाए। हाँ। और फिर जब बच्चों के माँ बाप बूढ़े होते हैं, फिर वो कहते हैं अब आप हो गए पेंशनिस्ट, अब आप बाहर चले जाए। वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। इस वक्त तकरीबन 3 बज गए। विश अस लक। यस, वी नीड दैट। हवा का हाल देखें और ठंड का हाल देखें, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। दिस इज माई फाइनल लुक। अभी बस सिर्फ दुपट्टा सेट करना है एंड आई एम ऑल डन। एंड दिस इज डन बाय आयमा असलम हेयर इन कोपेनहेगन। इनका अपना सैलून है यहाँ पे एंड शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब। आपको पता है ना, मैं कितनी स्केप्टिकल होती हूँ कहीं और से मेकअप कराते हुए, शूट्स पे भी खुद करती हूँ, बट दिस इज़ डिफरेंट एंड नाइस, आई लाइक इट। सो अब आई एम ऑल डन, आई एम ऑल सेटल्ड, आई एम वेटिंग कि मुझे पिक करने आएँ और मैं वहाँ हॉल में जाऊँ, मैं और नबील बैठ के थोड़ा डिसाइड करें कि हमने क्या करना है एंड थोड़ा सा प्लान करें शो का। और बस अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, 4:30 गेट्स बंद होंगे। तो बस मैं थोड़ा ज्वेलरी वगैरह पहन के दुपट्टा सेट करके रेडी होती हूँ एंड देन आई सी यू इन द हॉल। ये है जी शाम का मंजर यहाँ कोपेनहेगन में एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड क्वाइट। मैंने यहाँ पे अब तक किसी टाइम पे भी कोई ऐसा रश नहीं देखा जो मुझे पाकिस्तान में या दुबई में या दूसरे मुल्कों में नज़र आता है, स्पेशली मलेशिया और थाईलैंड। यहाँ पे बड़े ठहराव और सुकून की फीलिंग आ रही है। तो अभी हम हॉल की तरफ जा रहे हैं। ये अक्सा है, अक्सा मुझे लेके जा रही हैं एंड वी हैव हर डॉटर एंड हर ब्रदर उस्मान। उस्मान भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है पाकिस्तान स्वीट होम में और ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत दिल से इन्वॉल्व हैं, मतलब इसको ओन करते हैं सब। तो इस तरह से अटैचमेंट हो किसी चीज़ से तो हाउ कैन इट गो रॉन्ग। ये जो स्पेशल बनना है, इसमें हम नजर आने चाहिए। जी जी, आए हैं नजर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। दूर दूर तो अभी जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हैं फुल। के बारे में बड़े तो जानते ही जानते हैं, लेकिन आजकल बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यारे दोस्तों से मुलाकात कराने का। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो भी इस प्रोग्राम में हमारे प्यारे प्यारे फरिश्तों और परियों के लिए तशरीफ लाएं बगैर किसी किस्म के झिझक के। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। नॉन अदर देन शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम, जय
Copenhagen. How are you all? जो काम हम करने आए उसके लिए जोश चाहिए, जज्बा चाहिए। तो माशाल्लाह मैं देख रहा था जितने फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम में, शायद हमारे किसी पीटीवी एक्टर के इतने रहे हों। इस वजह से हूँ कि पीटीवी मेरी बेस बनी। हमारे एक डायरेक्टर आतिफ हुसैन साहब, सैयद आतिफ हुसैन, अल्लाह गरी के रहमत करे, वो मुझे लाए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो वहाँ जब मैं एक्टिव हुई, मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसके बाद फिर यूट्यूब पे यही कोशिश मैंने झिझकते झिझकते की, तो उस पर बहुत, बल्कि मैंने जब अपने गांव की वीडियो बनाई तो मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि उस एवरी पर्सन इन द होल कंट्री एंड अब्रॉड वॉज टॉकिंग अबाउट कि आपने अपने घर की छत पे गांव बनाया हुआ है। तो मतलब इस तरह से मैं और इनकरेज हुई, हालांकि हरकत तो किसी ने गलत की थी कि मेरी वीडियो चुरा के लगा दी, मगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। I am Marwa, I am 11 years old, I am in grade 5, I belong to Islamabad, Pakistan, I live in Pakistan, sweet home. Please welcome Mr. Zumrud Khan. Pakistan, sweet homes is his baby. देखें जी, सबसे पहले तो मैं नबील साहब आपका, शगुफ्ता साहब आपका मशकूर ममनून हूँ। बहुत सारे सवालात का जवाब तो आपने स्क्रीन पे देख लिया कि माशाल्लाह जो मेरे 12 साल पहले बेटे आए थे पाकिस्तान स्वीटों में, आज माशाल्लाह वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के अंदर जेरे तालीम भी हैं और तरबियत भी हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैंने अपने बच्चों को जो पहला सबक दिया था वो सखावत का दिया था, इसलिए कि जब वो बिल्कुल छोटे छोटे थे तो मैं उनके हाथ से जो भी किसी के कंफर्ट का बायस बन सकते थे, चाहे वो पैसे हो या खाना हो या कपड़े हो, जो भी वो दिलवाती थी, वो बहुत प्यार से दिलवाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट ये है कि आज मेरी बच्चियों ने उसी चीज़ को थाम के रखा हुआ है। अल्लाह के नाम पे कोई ऐसा काम करना या किसी की कफालत का जिम्मा लेना अल्लाह ताला से बिजनेस करने के मुतरादिफ है, तो फिर उस बिजनेस का आप प्रॉफिट का अंदाजा लगा ले क्या होगा। बोला उसका बेनिफिट है, ऐसा बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता। पहले डोनेशन में रहमत सेठी साहब की तरफ से 2000 मोबाइल पे पे चला गया, जो 2000 वहां से। थैंक यू जान, वो हमारी मेहमान है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे आके सबसे पहले इसमें अपना शेयर डालूंगी, फिर दूसरों से बोलूंगी। तो उन्होंने पाकिस्तान से ही ये सोच लिया हुआ था कि वो $500 चैरिटी करेंगी इस प्रोग्राम और इस हमारे बच्चों के लिए। आप तो यकीनन डेनमार्क के लोगों का फरीजा बनता है कि वो इनका साथ दें। ये जी जो इस हॉल के ओनर हैं ला हबीब साहब, उन्होंने ये सब गेस्ट के लिए ये डिनर फ्री अरेंज किया है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अच्छा, इसे कहते हैं दिल से। मखनी, हाँ बड़ी मखनी स्पेशलिटी, दिस इज चिकन पुलाव। मैंने भी आपका Thank you.
फीस्ट। ये है जी उज्मा, और ये जितना खाना आपको मैंने दिखाया सब इन्होंने बनाया, उज्मा ने। ऐसे एलसीएन इवेंट्स लाहौरी केटरिंग हमारा। कहाँ पे? यहाँ पे जी, यहाँ लाहौरी केटरिंग। हाँ जी। ये मेरे साथ जो शख्स हैं ये ला हबीब इनका नाम है, और इन्होंने जब इन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान के यतीम बच्चों के लिए इवेंट होने जा रहा है, तो इन्होंने अपना ये पूरा हॉल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र किया। और ना सिर्फ ये बल्कि दिल से बहुत ही एक लेविश मेन्यू के साथ डिनर का भी अहतमाम किया, जो कि इनकी तरफ से था और फ्री ऑफ कॉस्ट था सब वहाँ पे जितने भी डोनर्स थे उनके लिए। तो ये बड़ी बात है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर देट। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें जजाए खैर दे। लेकिन मैं फीस लूंगा, तो वो बड़े अजीब से, अच्छा ठीक है जी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा यहाँ खड़ा हूँ आ जाओ, वो लोग आए, उन्होंने तस्वीर खिंचवाई, उन्होंने कहा जी अच्छा फीस बताए। मैंने कहा फीस ये है कि मेरा नाम लेके यहाँ दुआ करनी, तो ये वाली वो फीस है। खूबसूरत कहाँ है? मेरी जाती जो खूबसूरत है वो मेरे घर में। तो आज तस्वीर आपने डोनेशन जी मैंने भेजी, अभी और देती है, पहले देंगी तो मैं खिंचवाऊंगा। चलिए पहले एक मेरी तो लेना इनके साथ। हाँ, अब ये अब आप पे डिपेंड करता है कि जब तस्वीर ले तभी ले लें डोनेशन। हाँ बिल्कुल, वो आ नहीं सके लेकिन उन्होंने डोनेशन भेज दिया अपना। नहीं करना चाहते इसे, मैं उधर देख भी नहीं रही, लेकिन और शुक्र से आप स्टेज पे आ गए, यहाँ डोनेशन लेके आए या स्टेज पे आ रहे हैं? दोबारा निकालें तो यकीनन ये टीम पास कर जाएगा। अच्छा नहीं, ये बार खुशी की बात ये है कि पहली बार शगुफ्ता को डोनेशन के तौर पे सही 3,000 ये दे रहे हैं बंदा। अल्लाह का काम हमारे पास इस वक्त इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है यहाँ डेनमार्क में भी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान, मेरे ख्याल से उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो डेनमार्क वालों को दिखाना है हमें कि सबको कि हम कितने बड़े फैन हैं इमरान खान साहब के। जी एनीबॉडी फॉर 15,000 खड़े हो जाए, घूम जाए जरा, ये हमारे पीटीआई के बड़े शेर बैठे। अच्छा जी, दो हाथों की इधर ही 25 कर रहा हूँ मैं, 25 जी 25,000 फैशन हाउस वाली। 25,000 स्कूल की तरफ से तो खेलता रहा हूँ। फिर मैंने खान साहब के लिए एक, जब उन्होंने बनाया था कैंसर हॉस्पिटल, तो उसके लिए एक टेलीफिल्म अवेयरनेस के लिए बनाई थी, तो उसमें भी मैंने डोनेशन। किधर है बताएं, कौन थे वो? तो यहाँ पे मौजूद है, मैं नाम नहीं लूंगी। नाम ले ना, पकड़े हम उनको जाके। हमारी बारी इस बार कोई और ये बैठ ले, ये साइड देखिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो शायद। जी जी, यहाँ लोग भी ज्यादा है।
पाकिस्तान का फ्लैग देखिए लेके आ रहे हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह तो कामयाबी हो गया, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाओ व्हाट अ वेलकम. Yeah, he lands his name can I say some mill in our welcome for. Den her historie, jeg fortæller nu, den er meget rørende. Så har vi vores brødre og søstre. Det er mig en meget stor ære. Og det er meget stort for mig og min familie, der står op på trappen. For mig, hele min familie er med jer. कहते हैं आपके $10,000 घूमे हैं ना, आपके तो मजहब में है कि एक जाएगा तो 10 आएंगे, तो अब आपको 10 मिलेंगे. तो मैंने पूछा, मैंने कहा जिया भाई आपको मिले 10 और? तो उन्होंने हल्फन कहा कि हाँ भाभी मिले मुझे 10 और. माशाल्लाह जी, हमारे तो 40 बच्चे स्पॉन्सर हुए हैं, उनके वो स्पॉन्सर चाइल्ड में हमने 40 फॉर्म्स.